आपको पता है क्रिकेट बैट कहाँ बनते हैं? यहाँ बनते हैं। और कैसे बनते हैं? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पाकिस्तान में शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसने कभी क्रिकेट ना खेली हो। बचपन में प्लास्टिक बैट से, फिर इब्तिदाई क्रिकेट स्कूल में और फिर गली मोहल्ले या ग्राउंड में। यहाँ क्रिकेट से जुनून की हद तक लगाव होने के बावजूद बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि बैट किस लकड़ी से बनता है, कैसे बनता है, किन किन मराहिल से गुजरता है, इसका वजन कितना होता है, किस बैट से छक्के ज्यादा लगते हैं, टेप बॉल और हार्ड बॉल के बैट में क्या फर्क होता है। ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्टेप की जानिब। ये वो पहला मरहला है जहाँ पे बैट बनने का अमल शुरू होता है। जी बिल्कुल, ये वही मरहला है जहाँ सबसे पहले यहाँ विलो लाई जाती है जो अब डिफरेंट सिटीज से हमारे पास आती है, पॉपुलर विलो। जब उसके बाद हम उसको वुड कटिंग डिपार्टमेंट कहते हैं जिसके अंदर हम बैट को शेप दी जाती है। ये बिल्कुल वही डिपार्टमेंट है जहाँ से पहला मरहला स्टार्ट होता है, वुड कटिंग डिपार्टमेंट के। कौन सी लकड़ी का बैट बनता है यहाँ? ये इस डिपार्टमेंट से पाकिस्तानी विलो का है। पाकिस्तानी विलो इसमें तैयार की जाती है, जो सबसे अच्छी है वो इसमें पॉपुलर विलो तैयार की जाती है। लकड़ी तो कट गई, अब देखते हैं कि बैट बनने का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। तो आप हमें बताएंगे कि बैट बनने का प्रोसेस कैसे होता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताएंगे। आइए आपको बताते हैं बैट कैसे स्टार्ट होता है। डिपार्टमेंट है, इधर सबसे पहले विलो को रेस किया जाता है ताकि इसको इसकी प्रॉपर शेप में लिया जाए, ताकि उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ लकड़ी को बैट की शक्ल दी जाती है। चौड़ाई का एक मखसूस पैमाना कारीगर के हाथ में है। हर लकड़ी को इस पैमाने की चौड़ाई पर लाया जाता है। अब बैट की शक्ल में कटने वाली इस लकड़ी को ऊपर नीचे ढेर लगाकर 3 महीने तक सूखने के लिए रख दिया जाता है। आप बैट को कैसे सेट करते हैं? ये कटर है, इस पे चौड़ाई होती है, ठीक है ना? तो फिर जब सेट हो जाता है दूसरी साइड पे रख देते हैं, फिर इधर से और बाहर जाता है, उधर जाके ना मशीन पे कटाई होती है। अब चलते हैं अगले डिपार्टमेंट में, जहाँ इस लकड़ी में हैंडल की जगह बनाने के लिए वी बनाई जाती है। क्या होता है ये? इधर से ये भी बना रहे हैं वो हैंडल डालने के लिए, हैंडल लगेगा इसको, उसके बाद इसके कटाई होगी जो पूरा साइज करते हैं बल्ले का। उसके बाद जो है वो उधर जाता है बुलवाई के लिए, बुलवाई के बाद वो तैयारी होता है। ये पहले भी हमारे हाथ में आता है, उसके बाद भी आता है, इसके बाद फिर आना है इसने, फिर उसके बाद ये लेबर के पास जाता है, लेबर आगे ले जाती है, स्टेप बाई स्टेप चलता है इसका। पहले जो है जो गिल्ला माल जो है ना वो उधर लगा रहे हैं, वो कटाई करना होता है उसको, उसके बाद 90 दिन के बाद नीचे उतारते हैं, 90 दिन के बाद इसकी ये इसको मार्का किया जाता है, इसके बाद इसकी ये जो वी बना रहे हैं इसके लिए इसमें हैंडल लगता है, इसी तरह ये हैंडल लगेगा। इसके बाद ये दोबारा फिर इसी मशीन पे आना है, मशीन पे आके इसकी कटाई होगी, अपनी शेप में आएगा ये जो, ये अपनी शेप में बनेगा। इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इसको काट लो, फिर उसके बाद इधर डालता है, इधर भी
ये बाद में एंड वाला ये काम ये स्पीकर लगता है। तैयारी के बाद वो जो आप पैकिंग ले जाता है तो उसको पैक कर दिया जाता है, यही ये तैयारी है इसकी। जब भी बन गया तो अगला मरहला इसमें हैंडल बनाकर जोड़ने का है। अब मैं आपको वहां ले चलती हूं जहां हैंडल तैयार हो रहे हैं। जहाँ पर बैठ के हैंडल लगाए जाते हैं, तो आप हमें बताएं यहाँ कैसे होता है। यहाँ सबसे पहले हैंडल आए लाए जाते हैं, उसको प्रॉपर शेप दी जाती है और उसके बाद जो वी डिपार्टमेंट से वी कटने के बाद हमारे पास जो क्लेफ्ट आती है, हम उसको अंदर इसको हैंडल को फिट करते हैं केमिकल के साथ और इसको प्रॉपर जोड़ा जाता है ताकि इसको प्रॉपर शेप दी जा सके बैट को। ये भी लकड़ी का बनता है? केन का बनता है और ये केन श्रीलंका से आती है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लकड़ी के टुकड़े बैट की शक्ल इख्तियार करने लगे हैं, लेकिन अभी फिनिशिंग का बहुत काम बाकी है। तो चलिए अब चलते हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। बॉल वाले एक बैट का कितना वजन होना चाहिए ये हमने पूछा वेट मशीन पर बार बार बैट ट्रक के देखने वाले एक कारीगर से। यहाँ पर बैट का वजन तैयार किया जाता है, हम इनसे पूछते हैं कि वजन कैसे तैयार कितना तैयार होता है, तो आप हमें बताएं वजन कितना होना चाहिए। 800 से कम वजन होता है, 800 ग्राम से कम। अगर तो ज्यादा हो जाए तो फिर बैलेंस 12 हो जाता है जी। तो अच्छा बैट 800 तो काम ही होता है, 750-800 जिस तो काम ही होता है। बैट्समैन हल्के बैट से खेलना पसंद करते हैं भारी बैट? हल्के बैट से पसंद करते हैं खेलना, भारी बैट तो आजकल बच्चे खेलते ही नहीं। हल्के बैट से छक्के ज्यादा लगते हैं? हाँ जी बिल्कुल, अच्छे बैट हल्के बैट से छक्के ज्यादा लगते हैं, चौके छक्के ज्यादा लगते हैं। तो आप ज्यादा छक्कों वाला बैट तैयार? ज्यादा छक्कों वाला तैयार करते हैं, जितने छक्के ज्यादा लगे उतना ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं बच्चे। फिनिशिंग करने वाले एक कारीगर को एक बैट तैयार करने के 10 रुपए मिलते हैं। रोजाना वो कितने बैट तैयार करता है और रोजाना कितने पैसे कमाता है ये हमने इस कारीगर से पूछा। आप क्या काम कर रहे हैं? आप बैट बनाते हैं, पहला तला लगाते हैं, फिर मोंडा लगाते हैं, फिर ये करते हैं, वो करते हैं, ये काटते हैं। एक बैट बनाने के कितने में पैसे मिल जाते हैं? एक बैट के 10 रुपए लेते हैं। तो आप कितने बैट बनाते हैं रोज? आप 100 बैट बनाते हैं रोजाना में, 100 बैट बनाते हैं। तो आपको 1000 रुपया तो मिल जाता होगा रोज? 1000 रुपया मिलता है आपको। आप खुश हैं? मेरा खुश है। शुक्रिया। बैट के हैंडल पर धागा चढ़ाया जाता है। यहाँ पर बैट पर धागा चढ़ाया जा रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्रोसेस कैसा है। इसके बाद आता है रंगो रोगन और मेकअप का मरहला।
डिपार्टमेंट है, यहाँ सबसे पहले बैट को लाया जाता है, उसके डिफरेंट किस्म की बफिंग की जाती है, बफिंग के बाद उसके ऊपर केमिकल्स लगाए जाते हैं ताकि बैट को प्रॉपर पोजिशन में लाया जा सके, उसके बाद उसको फाइनल फिनिश डिपार्टमेंट में ले जाता है ताकि इसके ऊपर स्टिकर लग सके। अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ बैट अपनी फाइनल शेप ले। इसके बाद बैट पर स्टिकरिंग होती है और वो पैकिंग के लिए तैयार हो जाता है। ये देखें, यहाँ पर स्टिकरिंग हो रही है और फाइनल बैट तैयार हो रहा है। और ये देखिए, हार्ड बॉल वाले बैट पर स्टिकरिंग हो रही है। एक हार्ड बॉल के बैट का वजन 1.5 से 1.5 किलो तक होता है। ये तो इतना वजनी है, मुंह से उठाए नहीं जा सकते। ये देखिए, मेरे हाथ में ये बैट है जिसे दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन क्रिकेट खेलते हैं और छक्के मारते हैं।